नमस्ते अभिवादन, आपका नोशेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से जिस हिसाब से संकेत थे, हम नीचे खुल के और नीचे जा सकते थे, लेकिन हमको बचाया है आज टेक्निकल सेटअप ने, टेक्निकल सपोर्ट ने। और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप टेक्निकली चीज़ों पे फोकस करोगे आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें घटित होंगी ना, वो पास्ट डेटा से रिलेट कर रही होंगी और वहाँ पर आपको कुछ बातें पहले से पता चल जाती हैं, और अगर आप उसका फ़ायदा उठा करके ट्रेड करते हो तो आपको मज़ा आएगा। एक लेवल मैंने आपको बताया था 16878 का, जब तक बाज़ार उसके नीचे नहीं फिसले। मैंने आपको क्या बोला था कि उसके नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन कट करके जानी है। अगर बाज़ार वहाँ उसके नीचे फिसल गई तो आप लॉन्ग पोजीशन कट करके जाइए, अदरवाइज आपको क्या करना था वो आपको पता है। खैर, जाने दीजिए। लेवल्स आपको जो बता रहे थे वो आपने किया या नहीं, बाकी क्लोजिंग अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ, कैंडल देख करके ही आप समझ सकते हो। बाकी साइकोलॉजिकल लेवल जो 17000 का था, बाज़ार ने उसको पार करके क्लोजिंग दी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इतनी एडवर्स कंडीशन में इतनी अच्छी क्लोजिंग, दिल खुश हो गया। सच में बाज़ार की आज की जो ट्रेडिंग हुई ना, बहुत कमाल की हुई है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसने दिया है, खासकर टेक्निकल ट्रेडर्स को, मेरे जैसे ट्रेडर्स को, और आप में से जो भी टेक्निकल सेटअप को फॉलो करता है उसको बाज़ार ने खुलते ही बाइंग का सिग्नल दिया था। जिन्होंने फ़ायदा उठाया उनको मस्त टारगेट भी मिला है। चलिए, क्लोजिंग अच्छी है, कल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। इंडसइंड बैंक रिजल्ट के बाद क्या किया इसने, कमाल किया और बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दिया है। नज़र आपकी अभी भी इस पर होनी चाहिए। चलिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी 50 देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बात बताता हूँ और रोज़ वही बात बताता भी रहूँगा। क्यों बताता रहूँगा, क्योंकि ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर ये तीन लेवल्स पहले से पता होते, यहाँ के लेवल, ठीक है, ये वाला, दूसरा ये वाला लेवल और तीसरा ये वाला लेवल, तो आप कुछ बढ़िया ट्रेड कर सकते थे या नहीं। देखिए, आज मुझसे दो अच्छे ट्रेड निकले, दो बुरे ट्रेड निकले, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, 22 ट्रेडिंग सेशन में, 22 ट्रेडिंग सेशन पूरे महीने भर में होते हैं, सिर्फ दो दिन प्रॉफिट में रहना है, बाकी 20 दिन आपको कॉस्ट पे रहना है। समझ गए? हाँ, तो क्या ये लेवल्स आपकी मदद कर सकते थे या नहीं, अगर आपको पहले से पता होता बाज़ार यहाँ पर रुकेगी, बाज़ार यहाँ पर रुकेगी और बाज़ार यहाँ पर सपोर्ट लेगी या रुकेगी, जो भी आपको समझना था, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड बढ़िया कर सकते थे या नहीं। अगर पता होता तो आप कल की बाज़ार वाली वीडियो देखा कीजिए, उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया कीजिए। बैंक निफ्टी में आप जा करके देख लीजिए, इस लेवल की अहमियत तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि इस लेवल की अहमियत क्या थी, प्लस इस लेवल की भी अहमियत आप समझ सकते हो। अगर ये लेवल आपको पहले पता होता तो इस लेवल की अहमियत मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आप खुद अपने आप से सवाल पूछा कीजिए कि अगर मुझे ये लेवल्स पहले से पता होते तो मैं क्या बेटर ट्रेड ले पाता, क्या मैं बेटर ट्रेडिंग कर सकता था आज। अगर कर सकते थे तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो करके बैक टेस्ट कीजिए, जो पुरानी वीडियोस हैं वहाँ पर जो लेवल्स बताए गए हैं उनसे अगले दिन का ट्रेड बैक टेस्ट कीजिए, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए। निफ्टी गज़ब की नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, और जो क्लोजिंग हुई है इसको भले ही हम रेड में देख रहे हों, लेकिन ये क्लोजिंग काफ़ी ग्रीन है। 17000 के ऊपर आप बंद हुए हैं, दूसरी चीज़ एक बढ़िया कैंडल बना करके बंद हुए हैं, तीसरी चीज़ शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए जो बुरा हो सकता था वो सामने है। अब अगर और कुछ गड़बड़ नहीं हो जाता है, फ्लैट रहती है ग्लोबल मार्केट, तो हम यहाँ से एक बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग दिखा सकते हैं, तो इस क्लोजिंग को आप काफ़ी अच्छा मान सकते हो। बाकी जो भी होगा हम कल की बाज़ार वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी बढ़िया रिकवरी दिखाई, निफ्टी मिड कैप भी बढ़िया रिकवरी दिखाया। सबसे बढ़िया चीज़ हुई बैंक निफ्टी में, यहाँ पर तो अचानक से रिकवरी आ गई, खुलते ही यहाँ पर बाइंग देखने को हमको मिली, चाहे HDFC बैंक हो चाहे इंडसइंड बैंक हो, इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। इंडसइंड बैंक परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी तगड़े से भागा, 4%, और पॉइंट के टर्म्स में जिसने बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट दिया वो था HDFC बैंक, हमारा आपका प्यारा दुलारा बैंक। HDFC बैंक की बदौलत आज निफ्टी बैंक पॉजिटिव में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पॉजिटिव में बंद हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC स्टॉक है, ठीक है, और निफ्टी बैंक में HDFC बैंक, इन्होंने काफ़ी मदद की आज इन दोनों ही इंडाइसिस की ग्रीन में क्लोजिंग होने में। तो चलिए, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए, बुरा भी रहा कुछ लोगों के लिए, जिनके पास पहले से स्विंग ट्रेड पड़ा हुआ था, खुलते ही उनको स्टॉप लॉस देना पड़ा। और दोस्त, हमारी और आपकी, खासकर रिटेल ट्रेडर्स की, इनोसेंट इन्वेस्टर्स की यही तकलीफ है कि जब भी हम ओवरनाइट पोजीशन लेकर के जाते हैं और कोई गैप डाउन होता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट करना अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, भले ही हमको पता हो कि यार यहाँ पर सपोर्ट है, हाँ थोड़ा बहुत हम ट्विक कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। कुछ लोगों ने अगर ये बात मेरी मानी होगी कि 878 के नीचे ही अपनी लॉन्ग पोजीशन कट करेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। और कल की बाज़ार वाली वीडियो में मैंने ये बात बहुत जोर दे करके बोली थी कि 16878 इस लेवल पे आपको मेन फोकस करके रखना है। आई होप आपको भी आज नेगेटिव ओपनिंग के दौरान कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी,
बाइंग की। अगर आपने उसका फ़ायदा उठाया है तो आगे भी उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए। जल्दी मिलेंगे कल की बाज़ार वाली वीडियो में। यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल समझाए, ये थे जो मैंने आपके साथ लेवल डिस्कस किए, ये जो लेवल्स थे ये हम आपको कल की बाज़ार वाली वीडियो में बताते हैं, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। इनसे अगर आपकी मदद हो सकती है तो मिला कीजिए हमसे रात वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बस दुआ यही कीजिएगा कि ग्लोबल मार्केट से अब कुछ नेगेटिव संकेत ना मिले, तो हम 17,000 पे एक बढ़िया बेस बना करके धूम धड़ाका ऊपर के लिए करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कम से कम टेक्निकली तो हम तैयार हो ही चुके हैं। अभी इतना ही, नमस्कार।